बनेंगे ईडी, सीबीआई और चुनाव आयोग चीफ कौन बनेंगे, जिसे लेके मोदी शाह की हवा टाइट हो गई है, क्योंकि राहुल गांधी ईडी, सीबीआई और चुनाव आयोग चीफ की निष्पक्षता पर मोदी को अब चुनौती देंगे। मोदी के लिए अब आगे का राह बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। यानी सिर्फ सदन में विपक्ष के तौर पर ही नहीं, राहुल गांधी अब मोदी की हर वो काम में चुनौती बनेंगे जिसके जरिए मोदी जी बड़े आसानी से सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करते आए हैं। क्योंकि सूत्रों के हवाले से राहुल गांधी को लेकर के जो खबरें आ रही है उससे मोदी शाह की टेंशनें बढ़ी हुई है। क्या है पूरा मामला बताएंगे आगे आपको वीडियो में विस्तार से, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति पर। देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। 2014 और 2019 में कांग्रेस की इतनी भी हैसियत नहीं थी कि उसे नेता प्रतिपक्ष की पोस्ट मिल सके, इसीलिए बड़े आसानी से अब कह सकते हैं कि ईडी डायरेक्टर कौन बनेगा, सीबीआई चीफ कौन बनेगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बनेगा, ये सब कुछ हमेशा मोदी जी और उनके सलाहकार के मुताबिक होता चला गया। लेकिन अब वो होने जा रहा है जिसके आदि जो है नरेंद्र मोदी कतई नहीं है। सूत्रों के हवाले से यह खबर कंफर्म हो गई है कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष सदन में बनने जा रहे हैं, यानी लीडर ऑफ ऑपोजिशन। मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके 5 साल बाद अधीर रंजन चौधरी को भी अनौपचारिक रूप से यानी अनऑफिशियली लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता के रूप में मोर्चा संभालना पड़ा था, और यह संयोग ही है कि दोनों ही अपना अगला चुनाव हार गए। अब अगर राहुल गांधी के मन में ऐसा कोई अंधविश्वास नहीं है तो आगे बढ़कर वो ये पद ले सकते हैं, ये तमाम पॉलिटिकल कमेंटेटर, पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स मान रहे हैं। क्योंकि पिछले 2 चुनावों में देश को बेहद मजबूत सरकार देने वाली जनता ने इस बार एक मजबूत विपक्ष दिया है। जी हाँ, ये सोचने वाली बात है कि इस बार मजबूत सरकार नहीं लेकिन जनता ने मजबूत विपक्ष चुना है, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के आगे, इसीलिए नरेंद्र मोदी और शाह के आगे अगर राहुल गांधी सदन में नेता प्रतिपक्ष बनते हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनते हैं, जो सूत्रों के हवाले से कंफर्म खबर है कि ऐसा ही होने जा रहा है, तो मामला पूरी तरह से गड़बड़ा जाएगा, चरमराई जाएगी। मोदी जी की जो सिस्टम चल रही है ना, वो पूरी तरह से बिखर जाएगी। क्योंकि इसमें ईडी डायरेक्टर कौन होगा, सीबीआई डायरेक्टर कौन होगा, चुनाव आयोग चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन होगा, ऐसे तमाम पोस्ट्स हैं जिसके डायरेक्टर कौन होंगे, चीफ कौन होंगे, ये नरेंद्र मोदी यानी प्रधानमंत्री और लीडर ऑफ अपोजिशन और एक कैबिनेट मंत्री मिलकर तैयार करते हैं। इसमें अब लीडर ऑफ अपोजिशन में अगर राहुल गांधी की एंट्री होती है तो सोचिए मोदी का हाल क्या होगा। अगर मोदी जी को ईडी के डायरेक्टर कौन बनेंगे, सीबीआई का डायरेक्टर कौन होगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन होगा, इसे लेकर के उन्हें अगर राहुल के साथ बैठना पड़ जाए एक टेबल में, अगर राहुल गांधी उन्हें वहां पर चुनौती दे दे कि नहीं ये व्यक्ति सही नहीं है, ये निष्पक्ष नहीं है, इनका कोई हिंदुत्व का अलग एजेंडा हमेशा से इनके मन में रहा, शायद ये देश के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन नहीं है, ये अगर नरेंद्र मोदी के सामने ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और भी तमाम इलेक्शन कमीशन, इन तमाम के जो डायरेक्टर्स होते हैं, टॉप लेवल के ऑफिसर्स होते हैं, इनके नियुक्ति में अगर राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के सामने चुनौती बन जाए, या कहीं ना कहीं राहुल गांधी की सहमति के बाद नरेंद्र मोदी इन्हें चुन सके, तो वो नरेंद्र मोदी के लिए आसान तो बिल्कुल नहीं होने वाला। क्योंकि मैंने कहा ना कि वो चुटकी में हर काम करने की ताकत रखते हैं जो इस सरकार में अब वो नहीं कर पाएंगे। निश्चित तौर पर देश के मतदाताओं को ये उम्मीद होगी कि पूरा इंडिया ब्लॉक जो है एक साथ मिलकर वोट मांगने गया था, आगे भी वो एकजुट रहेगा। विपक्षी गठबंधन को एकजुट रखने की जिम्मेदारी भी कांग्रेस की है, क्योंकि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, और इस नाते 99 सीटें जो है कांग्रेस के खाते में आई है, जिसके बाद नेता राहुल गांधी को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी लेने की जरूरत है, ये पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स मान रहे हैं। और उनका कहना है, जो अंदर खाने से खबरें आ रही है, कि राहुल गांधी को वो जिम्मेदारी कांग्रेस की ओर से, इंडिया की ओर से सौंपा गया है कि वो लीडर ऑफ अपोजिशन यानी सदन में नेता प्रतिपक्ष बने और नरेंद्र मोदी के सामने चुनौती बनकर
खड़े हो जाए। अपने प्रदर्शन में लगातार सुधार करते हुए कांग्रेस ने 24 के आम चुनाव में लीडर ऑफ अपोजिशन का ओहदा पाने लायक लोकसभा की 10% से ज्यादा सीटें जीत ली है। कांग्रेस को लोकसभा की कुल संख्या का 18% यानी 99 सीटें मिली हैं। 2014 में कांग्रेस 44 और 2019 में 52 लोकसभा सीटों पर ही कहीं ना कहीं अटक गई थी, लेकिन इस बार का प्रदर्शन अच्छा माना जा रहा है। बहुत अच्छा नहीं, लेकिन पहले के मुकाबले में अच्छा। जो लीडर ऑफ अपोजिशन जो पार्टी बना सकती है उन्हें कम से कम जो है 54 सीटें चाहिए, जो इस बार पूरी तरीके से कांग्रेस के पास है। यानी कांग्रेस इस बार राहुल गांधी को लीडर ऑफ अपोजिशन की तरह अगर पेश करते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर पेश करते हैं, तो पूरी तरह से बीजेपी के लिए मुसीबत का सबब जो है वो राहुल गांधी बन जाएंगे। दोस्तों, बीजेपी के सुषमा स्वराज की बात की जाए तो 2009 से 2014 तक लोकसभा में वो नेता प्रतिपक्ष थी। 18वीं लोकसभा का पहला सेशन जो है वो 24 जून से शुरू होकर 3 जुलाई तक खत्म होने जा रहा है। 9 दिनों के स्पेशल सेशन के दौरान लोकसभा स्पीकर का चुनाव कराया जाएगा। लोकसभा स्पीकर को लेकर के भी किस तरह की खबरें बाहर आ रही है वो भी चौंकाने वाली है। वो भी नरेंद्र मोदी और शाह की नींदे उड़ा के रखी हुई है। और नए सांसदों को शपथ भी दिलाई जाएगी और इस दौरान सदन को नेता प्रतिपक्ष भी मिलेगा। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी क्या वाकई जनता को सदन को मिलने जा रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है। सूत्रों के हवाले से बताऊं तो ये कन्फर्म है कि राहुल गांधी ही नेता प्रतिपक्ष बनेंगे। और राहुल गांधी अगर नेता प्रतिपक्ष बनते हैं तो मान के चलिए, यकीन मानिए कि ईडी, सीबीआई और साथ ही साथ चुनाव आयोग, हर जगह पर अभी विधानसभा चुनाव होने हैं, हर जगह पर इन तीन संस्थाओं के कामकाज को लेकर के हर वक्त मोदी सवाल को राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष को जवाब देना पड़ेगा। यानी कुल मिलाकर के नरेंद्र मोदी के लिए यह राह बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि एक तरफ देखा जाए तो एनडीए के जो घटक दल हैं वो मोदी जी को लाल आंखें कभी भी दिखा सकते हैं, उनके जो प्रमुख हैं वो लाल आंखें दिखा सकते हैं। इस डर के जरिए नरेंद्र मोदी सरकार चलाने पर मजबूर हैं अभी। तो दूसरी तरफ इतनी मजबूत जो ऑपोजिशन है वो कहीं ना कहीं मोदी जी के सामने बड़ी चुनौती है। ऐसे में एक तरफ अपने सहयोगियों पर भरोसा ना रख पाना और ना ही सहयोगी नरेंद्र मोदी पर भरोसा रखते हैं, डगमगाता हुआ एक गठबंधन है जो कि एनडीए है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है, दूसरी तरफ इंडिया है, दूसरी तरफ लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी है, दूसरी तरफ प्रियंका गांधी की सदन में एंट्री होगी लोकसभा सीट पर वायनाड से, दूसरी तरफ इतनी स्ट्रांग अपोजिशन है। ऐसे में इस पूरी राजनीति जिस तरह से करवट लेती हुई या पासा कहीं ना कहीं पलटती हुई नजर आ रही है, उसमें नरेंद्र मोदी कितने दिन तक प्रधानमंत्री पद पर बने रह पाएंगे, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है। इस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाता है। बाकी दोस्तों, आपको क्या लगता है, अगर वाकई राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन बनते हैं तो वो मोदी जी के लिए कितना बड़ा झटका होगा? आप कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ शेयर करें। बाकी ऐसी तमाम खबरों को हम आप तक पहुंचा सके एनालिसिस के जरिए, पड़ताल के जरिए, तो देशनीति को उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा। और थैंक्स ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप देशनीति की आर्थिक तौर पर मदद भी कर सकते हैं। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर हमें जरूर फॉलो करें। बस इस वीडियो में इतना ही। आपसे जल्द होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।